आपका एक बार फिर स्वागत है और आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। वो तमाम सारे लोग मौजूद जो आज बातचीत के इस मुद्दे से जुड़ेंगे और मुद्दा आज का जो है मेरा वो है महंगाई का। महंगाई के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन तमाम वो सारे लोग भी मौजूद हैं जिनका कुछ अपना भी कहना होगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन है, कांग्रेस ने खास तौर से वो कैंपेन खोली हुई है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाजी, आपकी जो चाल है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आप मुझे मालूम है लखनऊ यूनिवर्सिटी में आकर थोड़ा सा खो गए। पाजी, आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन ये इस यूनिवर्सिटी में मैं जरूर रहा हूं। बड़ी खूबसूरत है पाजी, आपने दिखाई इसकी खूबसूरती की नहीं दिखाई? पहले इसकी खूबसूरती दिखा दीजिए, मैं फिर से लौट के आ जाऊंगा। बातचीत के सिलसिले को मैं फिर से कहीं से जोड़ दूंगा। जी हाँ, मैं कह रहा था कि कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू किया हुआ है और वो कैंपेन है महंगाई के खिलाफ, और उस महंगाई के खिलाफ सरकार ने भी जवाब दिया है। तो पहले उस जो सवाल और जवाब की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद यहां लौटेंगे और वो तमाम सारे लोग जो कुछ कहना चाहते हैं उनसे मुखातिब होंगे। और हमारे जो मेहमान यहां पे सज गए हैं, मेहमान तो हमेशा सजे होते हैं, क्या बात है, ये रोज मेहमान दिखते हैं ना आपको, कितने अच्छे हैं, कितने भोले हैं। अभी जब बोलेंगे तो देखिएगा कितना भोले लगेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद फिर लौटते हैं। दाम पहले से कम है, मगर जब आप पेट्रोल पंप में अपनी गाड़ियों में, स्कूटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, तो आपको पता लगता है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये जो आपका पैसा आपकी जेब से निकाला जा रहा है, ये आपको वापस नहीं मिलता है। आपके बच्चों की शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इट इज अ क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक स्टेट्स एंड द सेंटर टू टॉक अबाउट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द सेंटर व्हिच हैज ड्यूटीज ऑन पेट्रोलियम प्राइस, इट ऑल्सो हैज द स्टेट्स चार्जिंग। सो बोथ स्टेट्स एंड द सेंटर डू ड्रॉ रेवेन्यू आउट ऑफ इट, and you all know that when center draws revenue on any score, 41% of it goes to the states. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे और जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे हम तारुफ करा देंगे। अमित पुरी से आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। जूही सिंह समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, थैंक यू सो मच। पार्टी ने अच्छा टोपी लगा ली है आपने, क्या बात है, थैंक यू सो मच। शिशिर त्रिपाठी जी प्रवक्ता हिंदू महासभा के, चतुर्वेदी, शिशिर चतुर्वेदी जी, थैंक यू सो मच शिशिर जी, थैंक यू सो मच। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, थैंक यू सो मच। और सुरेश बहादुर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे और सिलसिला ये कि सबसे पहले तो इधर से बातचीत शुरू करते हैं। जी, क्या नाम है आपका साहब? अंकित सिंह। अंकित जी क्या करते हैं? मैं अभी पास आउट हो गया हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, तो अभी किसी हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, हाँ मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, तो आए हैं आज आप शो में शरीक होने के लिए, तो क्या किया है आपने? मैं यहाँ से पीजी है। पीजी किया है? हाँ। वाह क्या बात है। और आपने साहब? मेरा भी पीजी हो गया है, एलएलबी कर रहा हूँ मैं। एलएलबी? अच्छा, ये वो चक्कर तो नहीं है कि हॉस्टल रहने के लिए लोग इधर से बात उधर करते रहते हैं ना? नहीं, वैसे मैं हॉस्टल से बाहर कर दिया गया हूँ। हॉस्टल से बाहर कर दिए गए? अच्छा, आप पहले यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि लोग हॉस्टल का रूम रखने के लिए पहले पीजी करते थे फिर लॉ करते थे, अब वो बदल गया सिस्टम? नहीं, चूंकि अब यहाँ का रूल मानना पड़ता है, नहीं मानोगे तो घर नोटिस भेज दी जाएगी, इसलिए हम लोग मान लेते हैं। अच्छा, घर नोटिस भेज दी जाएगी, क्या बात है भाई, वाह। आपका नाम क्या है? शिवांगी त्रिवेदी। जी शिवांगी जी, क्या करती हैं आप? हमारा स्नातक प्रथम वर्ष सोशल वर्क से। सोशल वर्क से? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, कहाँ की रहने वाली है? सीतापुर से। सीतापुर से, तो पास में ही है, 75 किलोमीटर दूर। हाँ जी सर, यहाँ छात्रावास में रहते हैं। छात्रावास में सब अच्छा है? छात्रावास अच्छा है सर। बड़े धीरे धीरे बोले, क्या बात है। हाँ जी, आप? वसुंधरा सिंह है, परस्नातक प्रथम वर्ष समाज कल्याण विभाग। अच्छा अच्छा, समाज कल्याण विभाग जी, तो क्या कर रहे हैं? सोशल वर्क, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के मुद्दे पे, या कुछ अपनी बात जो आपको लगे कहना चाहेंगी? मतलब किस टॉपिक पे मैं? अरे आप अपनी बात कहिए, छोड़िए मेरे टॉपिक को, आप कुछ कहना चाहें। हॉस्टल के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि अच्छा है, ओके ओके है, कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं, कभी हाँ, नहीं अच्छा लगता है हाँ, कभी खाना बहुत अच्छा मिल जाता है। टीचर जी, मैं बहुत हंस रही, मैं इनके पास जाता हूँ पहले। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते
नमस्कार। अच्छे चेहरे लगते हैं ना देख के, कि दूर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप कैसी हैं? लगभग मैं 8-9 महीने बाद लौटा यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा शो करना चाहिए। आपने तो 100 साल के बहुत अच्छा बड़ा जश्न किया। मोस्ट वेलकम। हम तो आपको सेंटेनरी में चाह रहे थे कि आप आते। हाँ, मैं आता, लेकिन वो कोरोना ने जो रखा मुझे हॉस्पिटल में, तो मैं नहीं आ पाया। पकड़ लिया आपको जी? अरे पकड़े, वो तो ऐसी चीज है, अगर जरा सा भी थोड़ा सा दाएं बाएं हुए तो पकड़ेगा। तो आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मैं प्रोफेसर पूनम टंडन हूँ। जी जी। अधिष्ठाता छात्र कल्याण। वाह। तो छात्रों के बारे में बात करना चाहूंगी। छात्र चारों तरफ हमारे हैं। हाँ। लखनऊ विश्वविद्यालय आपका महंगाई मुद्दा है। हाँ। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया आपने? हम लोगों ने बहुत से अपने